बेटा देश के लिए शहीद होया, काम आ गया, देश के लिए मुझे काम। ताज्जुब नहीं कि ऐसे घर के बच्चों की रगों में भी लहू के साथ बहादुरी दौड़ रही है। मेरा नाम आस्था है, मेरे पापा का नाम अमर शहीद जगदीश प्रसाद बिश्नोई है। ना रोना, ना डरना, ना हिचकिचाना, याद रख आस्था तू बेटी है किसकी, अमर शहीद जगदीश प्रसाद, जय हिंद। कुछ हफ्तों पहले मैं आपकी अगली पोस्टिंग के बारे में सोच रही थी। कुछ हफ्तों पहले मेरी नन्ही बेटियां आपके घर आने के ख्वाब के साथ सोती थी। कुछ हफ्तों पहले मैं आपको कह सकती थी, आई मिस यू। कुछ हफ्तों पहले आपके नाम के आगे शहीद नहीं लिखा था, पर अब हम उस सन्नाटे में ताकते हैं, आपको आसमान में तलाशते हैं। आज फिर कोई उन सितारों के साथ आसमान में चला गया। आज फिर कुछ बच्चों के पापा कभी नहीं लौटने वाली जगह चले गए। ये कब खत्म होगा? ये चेहरा हिम्मत का चेहरा है, ये चेहरा हौसले का चेहरा है, ये चेहरा हिंदुस्तान का चेहरा है, जो लहू लुहान होकर भी हारता नहीं, जो दर्द में रहकर भी बोझिल नहीं होता। मैं शहीद जगदीश बिश्नोई का बड़ा भाई राम निवास, शहीद जगदीश बिश्नोई 11 मार्च 2017 को सुकमा छत्तीसगढ़ में शहीद हुए हैं। उनकी शहादत देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। उनकी शहादत के लिए पूरा परिवार नोखा शहर का नाम उसने रोशन किया है। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। ये वीरों के परिवार, इनके आंसुओं में कमजोरी मत देखिए, पर बलिदान की कीमत जरूर समझिए। वो अपनी जान देने में एक पल को नहीं हिचकते, पर ये भी तो मालूम है किसके लिए। मैं सुनील नायल, सीआरपीएफ, ग्राम पोस्ट जलेली नायल, जोधपुर। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, शहीद जगदीश बिश्नोई के बहुत क्लोज रहा, उनका व्यवहार सभी साथियों के साथ बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा व्यवहार होने के कारण वो सभी में एक प्रशंसक के रूप में देखे जाते थे। आज सभी नौकावासी भारतवासी की आंखें नम हो जाती है जब उनको उनकी याद आती है। नोखा जो श्री ओम इंग्लिश पब्लिक स्कूल है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री ललित जी पालीवाल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो शहीद जगदीश प्रसाद बिश्नोई के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेगला गांव के जगदीश ने मेरे पास बाबा छोटूनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत रहकर विद्यालय की उच्चतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की। वह पढ़ने में होनहार था और पढ़ाई के साथ विद्यालय की अन्य शैक्षणिक गतिविधियों एवं खेल कूद में अनुकूल में अग्रणी रहता था। वो इस कथन को सत्य कर गया, जननी जने तो भक्त जन का दाता का सूर, नहीं तो रे जी बांजड़ी मती गमाजे नूर। वो किरदार निभा गए, हमारी तालियां भी बोझिल हैं। सोच कर देखें तो हमारे चारों ओर कितनी प्रेरणा है, कितनी शक्ति है, कितने शिद्दत से निभाए किरदार है कि ना तो तालियां पूरी पड़ती हैं, ना आंसू सूखते हैं। तालियों से शिकायत नहीं, पर आंसुओं को देश की तकदीर से हमेशा के लिए मिटाना होगा। देश के लिए यही होता है जवानों का पूर्ण समर्पण, अपनी जवानी, अपना जीवन, सब देश पर कुर्बान। साल में केवल एक दिन नहीं, क्यों ना इन वीरों को हम प्रतिदिन नमन करें। धन्य है हमारा देश, धन्य है हमारी माटी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।